साथ बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, बोलिए प्रेम से पूज्य बाबा सम्माननीय साधु समाज संत मत महासभा के पदाधिकारी गण, बंबई शहर के श्रेष्ठ महापुरुष धर्म प्रिय सज्जनों माताओं, अभी ग्रंथ पाठ में आप लोगों ने ध्यान योग के संबंध में सुना और बहुत से महापुरुषों के प्रवचन में भी सुना ध्यान योग के बारे में। इस कल काल में आदि संत ही भगवान बुद्ध हैं, जिनकी अस्थि हम लोग करते हैं। धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, सदा विचार करता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, वो अवश्य काल की बीड़ी को काट डालेगा। इस वाक्य में फिर दोहराता हूँ, जरा दिमाग रखिएगा। अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, सदा विचार करता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, वो अवश्य काल की बीड़ी को काट डालेगा। मतलब आवागमन चक्र से वह मुक्त हो जाएगा।
ऐसी वस्तु का ध्यान करते हैं शरीर संबंधी नहीं है। हम लोग प्रातःकाल और अपराह्न काल के सत्संग में, रात्रि काल के सत्संग में संत अस्थि में विनती करते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। बिंदु और नाद का ध्यान करने से काल की बिड़ी कट जाती है। अभिचार में यह है कि बिंदु ध्यान कैसे किया जाता है। बिंदु ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिसे कि बिंदु को हम अपने अंदर देख ले। बिंदु की परिभाषा है जिसका स्थान है पर परिमाण लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई कुछ भी नहीं। ऐसे बिंदु को हम कैसे देखेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो हम लोगों की दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकल रही है, समांतर रेखा में निकल रही है, अगर दो धारों को कोई एक कर दे तो उनके अंदर में बिंदु का उदय हो जाएगा। क्यों, इसलिए दो रेखाओं का मिलन से बिंदु प्राप्त होता है। जहाँ दो रेखा मिलते हैं बिंदु उदय होता है। अब दोनों रेखाओं को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंख बंद करते हैं घोर अंधकार, इसी अंधकार में बिल्कुल शिवलिंगा से देखना होता है। कितनी शिवलिंगा है देखने से कि अंदर बिंदु उदय हो जाए। गुरुदेव की वाणी में है दो नयन नासा मध्य सन्मुख सोई अंध ले लही तम फटे ज्योति भरे आकाश का तुलसा। बिल्कुल खुलासा, दो नयन मतलब दो आंख, नासा नाक, मध्य बीच संक्षिप्त सामने, कितना कम स्थान से के देखने में। श्री का अगला नोक है उसे कम स्थान से के सामने देखने में क्रिया ख्याल इस क्रिया करने आंख पर जरा भी जोर नहीं लगे। अगर जोर लगा देंगे बल लगा देंगे आंख बिगड़ सकती है। केवल ख्याल से देखना है, शिव निगाह से देखना है। तो देखते देखते अपने अभिषिधा आपस टकराती है तब एक होती है, तब बिंदु का उदय होता है। टकराने में क्या होता है, दो बादल हवा के झोंका लगने से जो टकराती है बिजली की पैदा हो जाती है। तो हम लोग सावन भादर महीने में आँख खोल के देखते हैं, अंदर जिसका टकराती है बिजली पैदा होती है। जब आंखों को देख के अच्छे कोई साइज अंदर में विषमक देखने आती है। अगर कोई समक को देख के रहती है एक अभिशाप शक्ति है बिंदु का उदय हो जाता है। कैसा बंदो उदय की वाणी में है झलका श्वेत निशान श्वेत बिंदु पर देखने आता है, कृत्रिम मात्र दिखाई पड़ता है। जो अपने अंदर बिंदु को देखते हैं एक पिंड से ब्रह्मांड पढ़ाई कर देखती है। किनके साथ में हम जीव है, किनके साथ पढ़ाई करते हैं। तो हृदय की वाणी में है कि मानस चेतन धार श्रुति केवल पर्श का जाने, यह गर्म छुटल पिंड ब्रह्मांड कर सुधे जाने। मन से चेतन धार स्वती केवल पार्श के जामे, भीतर की चार इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार और जीवात्मा पिंड से ब्रह्म चढ़ाई करता है। प्रणाम क्या होता है, प्रणाम यह होता है कि
दिवसी खुल जाती है। क्यों दिवसी खुलती है? इसलिए पांच कर्म इंद्रियां हाथ पैर मुंह लिंग गुदा पांच ज्ञानेंद्रियां आंख कान नाक जीभ चमड़ा बिल्कुल छूट जाती है। चार दिन साथ में रह करके जीव की आपसी खुल जाती है। मां बुद्धि प्रकाश साथ में रह करके जीव दृष्टि खुल जाती है भीतर में। ये अपने अंदर ब्रह्मांड अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्मनाथ को सुनते हैं। ब्रह्मनाथ से मतलब अनहत शब्द है, बात प्रकाश शब्द है। उस अनहत शब्द में एक शब्द है सार शब्द, जिसका केंद्र परमात्मा है। जो संसार बेरोक चल रहा है उसी शब्द की शक्ति सारी सृष्टि बनी है। उस शब्द की खोज कैसे खोज करेंगे? डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बताते हुआ शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसको पकड़ने के लिए आपको यह काम करना होगा। उनके आदेशानुसार जो शब्द की खोज करते हैं, अगर वह सब पकड़ा चला जाता है, सांस की पकड़ हो जाती है, तो जीव की आप खुल जाती है। तब जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है, काल का बंधन कट जाता है। तो दृष्टि योग और शब्द योग, ये जो दोनों साधनाएं हैं, ये सूक्ष्म उपासना है। इसके करने में सक्षम हो जाए, सफलता मिल जाए, इसके लिए असुर उपासना में एक नाम का जप एक रूप का ध्यान करने के लिए महापुरुषों ने कहा। जैसे मोटे मोटे अक्षरों के लिखे बिना मन से शक्ति नहीं आती है, ठीक ऐसे मुठ उपासना किए बिना सुपास करने की शक्ति नहीं आएगी। इसलिए हम लोगों को मोटी उपासना में एक नाम का जप एक रूप का ध्यान करना चाहिए। आसुक उपासना में दृष्टियोग और सुखयोग की साधना करनी चाहिए। कहीं आपकी सेवा थोड़ा सा रखा, बोलिए प्रेम से। महाराज की सज्जनों, बहुत ही अल्प